बच्चा को पढ़ने जाना होगा ना, पता तो पूरी दुनिया को है किसकी गुरु है। बड़े गुरु भाई ने कहा कि पुस्तकों में लिखा है 1974 में जब इन्होंने शिव को गुरु बनाया तो लोगों ने इनसे कहा, 82 में ये लोगों को कहने लगे कि शिव गुरु है, उनको अपना गुरु बना लीजिए। तो लोगों ने इनसे कहा कि जी हम जानवे करते हैं कि शिव गुरु है, किताब में लिखा हुआ है। इन्होंने कहा किताब में लिखा हुआ है कि ये जगत गुरु है, आदि गुरु है, गुराधिपति है, गुरुओं के गुरु हैं, गुरुओं के जनक हैं, और जगत में खोजने जाइए तो कोई इनका चेला नहीं है, ये कैसे जगत गुरु है। यानी किताबों में लिखा रह गया कि शिव गुरु है। अगर शुरू से शिव की शिष्यता हम जनमानस धारण किए होते तो आज इतना दिक्कत में मानवता नहीं रहती, आज इतना ईर्ष्या अहंकार क्रोध नहीं रहता। देख लीजिए जो शिव शिष्यता में लोग चल रहे हैं उनके जीवन में बदलाव हो गया है, उनके बोली में बदलाव हो गया है, उनके व्यवहार में कुछ न कुछ बदलाव तो हुआ है महादेव महादेव करने से। और जरा सोचिए 10,000 बरस से शिव जन जन के गुरु रहते तो इस दुनिया में तो बिल्कुल प्रेम का नदियां बहता, धर्म जात कहां होता, सब लोग तो अपने होते। लेकिन ये बातें किताबों में बंद रह गई कि वो गुरु हैं, वो मेरे गुरु कैसे होंगे, ये बातें आज तक किसी को बताया नहीं गया। 1974 में इन्होंने शिव को गुरु माना, 1975 में नमः शिवाय आया, 1982 में महादेव से दया आया और 1985 में महादेव ने आदेश दिया कि तुम जो करते हो दूसरों को करने को कहो। तब ये काम चला है जनमानस में कि शिव गुरु हैं, जन जन के गुरु हो सकते हैं, आइए भगवान शिव को अपना गुरु बनाएं। किताब में लिखा हुआ था कि ये गुरु हैं, लेकिन जन जन के गुरु नहीं हुए, कोई नहीं जाना कि ये मेरे गुरु कैसे होंगे। आज पहली बार हो रहे हैं, पता है कि डॉक्टर बड़े अच्छे हैं तो बीमारी दिखाना होगा ना, इलाज करवाना होगा ना, कह देने से कि वो अच्छे डॉक्टर हैं, हम जानबे करते हैं और आपको बुखार लग रहा है, मलेरिया हो गया, कोरोना हो गया है, आप बीमार हैं, बेटा कह रहा है चलिए ना बाबूजी दिखला देते हैं, बहुत बढ़िया डॉक्टर हैं। बाबूजी कह रहे हैं अरे हम तो जानबे करते हैं, तुम्हारे जन्म से पहले से जानते हैं कि डॉक्टर साहब बहुत अच्छा है, जानबे। बेटा कहेगा जानते हैं तो उससे आपका बीमारी ठीक हो जाएगा, अरे हम जानते हैं छोड़ दो हमको। अल्लाह मरिएगा तब जानने से बीमारी ठीक हो जाएगा कि डॉक्टर के पास जाना होगा, दिखलाना होगा, अपनी बीमारी का इलाज करवाना होगा, दवा खाना होगा, तब ना आपको उस डॉक्टर के इलाज से आपकी बीमारी ठीक होगी और आपका मन ठीक होगा, बीमारी दूर होगी। तो उसी प्रकार जानते हैं कि शिव गुरु हैं, शिव ही गुरु हैं, तब कोई सदगुरु है, तब कोई जगत में गुरु है। जब शिव गुरु नहीं होंगे तो कोई जगत में गुरु भी नहीं होगा, जब शिव पिता नहीं होंगे तो सृष्टि में कोई पिता भी नहीं होगा, जब शिव के अंदर जगत का जो भी जगत में भाव है वह सभी भाव पहले शिव में है तब जगत में है, क्योंकि शिव सृष्टि करता है। इसीलिए कोई जगत में जब गुरु होगा, सदगुरु होगा, तो वो भाव पहले शिव गुरु में होगा, इसीलिए शिव जगत गुरु है लेकिन मेरे गुरु नहीं है। जगत गुरु रहने से काम नहीं चलेगा, उनको अपना गुरु बनाना होगा, उनको मन ही मन कहना होगा कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, शिष्या हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। वो गुरु हैं, उनको गुरु नहीं बनना है परंतु मुझको शिष्य बनना होगा, तब उनकी दया का भाव मुझको अपने जीवन में प्राप्त होगा। नहीं तो हम जानते ही हैं कि वो गुरु हैं, जानने से वह गुरु महादेव मेरा गुरु नहीं हो सकता।